हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ संजय सर, फिजिक्स फैकल्टी। टुडे विल डिस्कस अबाउट एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है वो हमने समझा। पूरे चैप्टर में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, तो पूरे चैप्टर में हम स्टडी कर रहे हैं कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और EMF कैसे इंड्यूस किया जा सकता है कोई कॉइल के अंदर, वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो स्टूडेंट, जो इंड्यूस EMF है वो कितनी टाइप से हम इंड्यूस EMF कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड से। तो हमने देखा था कि कोई कॉइल को, ये मान लो कि आपके पास कॉइल है जिसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है, और उसके पास हम क्या लेके आए, बार मैग्नेट को लेके आए, मतलब बार मैग्नेट का रिलेटिव मोशन करवाए। तब ये तो दो कॉइल को, जैसे इंडक्शन में भी देखा था हमने, ये कॉइल है उसके बाजू में दूसरी एक कॉइल जिसको बैटरी से कनेक्ट किया है और इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं। ये करंट की वजह से भी यहाँ पे इस कॉइल के अंदर इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा। फिर एक दूसरी मेथड देखी थी कि कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या करें, तो कि कोई कॉइल को मूव कराए, मान लो कि ये कॉइल है उसको मूव कराए, एंगुलर वेलोसिटी दे, उसको रोटेट कराए उस केस में, ये वाले फील्ड में, तभी भी EMF प्रोड्यूस हो सकता है इस कॉइल के अंदर। ओके, और शेप चेंज कर दे इस मैग्नेटिक फील्ड में, जो कॉइल है उसका शेप चेंज कर दिया जाए तभी भी EMF प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है फ्लक्स का चेंज EMF इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस d phi by dt, एप्साइलन इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, वेर फाई इक्वल्स टू क्या है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कोस थीटा। तो फ्लक्स में चेंज तब आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, एरिया के अंदर चेंज होगा, या तो एंगल के अंदर चेंज होगा। तो ये दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे थे, इस केस में हम क्या चेंज कर रहे थे, एंगल चेंज कर रहे थे, और ये वाले केस में एरिया चेंज कर रहे थे। तो ऐसे हम फ्लक्स को चेंज करके EMF प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक कुछ इसी बेसिस के ऊपर है कि हम जो घर पे कभी कभी लाइट चली जाती है, लाइट नहीं चली जाती, एक्चुअल में पावर कट हो जाता है, तो उस टाइम में हम क्या यूज़ करते हैं, जनरेटर का यूज़ करते हैं। बड़े बड़े फंक्शन के अंदर जनरेटर बाहर से लाए जाते हैं। तो वो जनरेटर होता क्या है, एसी जनरेटर आप लोअर क्लास में भी स्टडी करके आओ, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले विथ उसके फॉर्मूले, ओके, मैथमेटिकल फॉर्मूले भी डिस्कस करने वाले। तो स्टूडेंट, एसी जनरेटर, तो जनरेटर के नेम के ऊपर से ही आपको आइडिया आया होगा, कि नेम के ऊपर से ही पता चलता है कि कुछ ना कुछ जनरेट कर रहा होगा। और इस चैप्टर के अंदर हम क्या जनरेट कर रहे हैं, EMF इंड्यूस करंट और इंड्यूस EMF, ओके। तो एसी जनरेटर क्या करता है बेसिकली, तो कि मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ओके। नेम जनरेटर है लेकिन वो एनर्जी का कन्वर्ट ही करता है। हमें पता है एनर्जी कभी भी क्रिएट या रिस्टोर ही नहीं हो सकती, मतलब जनरेट नहीं हो सकती एनर्जी। बस एसी जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब एक डिवाइस जिसमें मैकेनिकल एनर्जी का किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ओके स्टूडेंट, आइडिया आएगा कि क्या है ये, अभी कौन से प्रिंसिपल पे ऊपर वर्क करता है। तो स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हमारे घर के अंदर काफ़ी सारे ऐसे डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर वर्क करते हैं, जो हम एडोप्टर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल चार्जिंग करते हो, लैपटॉप चार्ज करते हो, तो उसके ऊपर जो एडोप्टर होता है, वो एडोप्टर कौन से फंक्शन के ऊपर, कौन से फिनोमिना पे वर्क करता है, तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही, क्योंकि उसमें ट्रांसफार्मर होते हैं, और ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करते हैं, तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ही। तो ये जनरेटर भी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो अभी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, तो पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये एसी जनरेटर क्या करता है, तो एसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ओके। प्रिंसिपल क्या है इसका, तो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। अभी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो मैग्नेटिक पोल की रिक्वायरमेंट होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो यहाँ पे मैं दो मैग्नेट ड्रॉ कर रहा हूँ, 3D डायग्राम, ओके। ये आपके टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, ओके।
ये मैग्नेट। ओके, अभी इसके अंदर एक आपको आर्मेचर या तो कोइल रखना है। ओके, ऐसे एक मेटलिक कोइल को ये मैग्नेट के बीच में रखना है और उसको रोटेट कर रहा है। जो हमारे गाड़ी के अंदर डायनामो यूज़ होता है, जैसे कि हमारी हेडलाइट चालू होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ही चालू होती है। आप एक्सेलेटर ज़्यादा दोगे तो वहाँ पे वो हेडलाइट भी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। आप एक्सेलेटर ज़्यादा दोगे तो वहाँ पे इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। इसका मतलब वो जो कोइल है वो मैग्नेट के बीच में ज़्यादा ज़ोर से मतलब स्पीडीली वहाँ पे मूव करेगा, और जितना ज़्यादा स्पीडीली मूव करेगा, रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेट और कोइल का, तो वहाँ पे भी हमें क्या मिल सकता है, ऐसे इंडक्शन के वजह से इंड्यूस ईएमएफ मिल सकता है, इंड्यूस करंट मिल सकता है। तो वही यहाँ पे हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखो कि ये जो पोल है ये नॉर्थ और ये साउथ, तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वह नॉर्थ टू साउथ होती है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ टू साउथ। ओके, और यहाँ पे टू रिंग्स आते हैं जिसको स्लिप रिंग बोलते हैं, स्लिप रिंग। ओके, एक वायर स्ट्रेट जाता है जो दूसरे रिंग के साथ कनेक्ट होता है ऐसे। ओके, इसके साथ फिर लोड रेजिस्टेंस लगाया जाता है। ये एक वायर यहाँ से यहाँ तक और एक वायर स्ट्रेट यहाँ पे जाता है। ये आपका मान लो कि ये R1 है, ये R2 है, दो रिंग है जिसको हम बोलते हैं स्लिप रिंग। ओके, स्लिप रिंग। और ये आपका कोइल है जिसका लेबलिंग कर देते हैं A B C D, ये कोइल है। और ये इसकी एक्सियल एक्सिस जिसके अबाउट ये रोटेट होगा। क्लियर? अभी स्टूडेंट यहाँ पे कोइल को हम क्या करते हैं, देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एरिया भी इसका कांस्टेंट है, ये कोइल का एरिया भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, तो हम कर क्या रहे, तो उसको चेंज करें, इसका एंगल चेंज करें, मतलब उसको एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराए, ओमेगा जितनी एंगुलर वेलोसिटी से उसको रोटेट कराते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के वजह से एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पे एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ के वजह से इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होगा। तो वो कितना अमाउंट का करंट है वही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है स्टूडेंट, क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स फाई इक्वल्स हम लिखते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये फॉर्मूला है हमारा। इसको स्केलर फॉर्म में लिखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं फ्लक्स फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। अभी देखो थीटा क्या है, तो थीटा को हम ओमेगा की टर्म में लिखे क्योंकि यहाँ पे हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रहे हैं। तो हमें पता है स्टूडेंट कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो थीटा इक्वल्स टू आप लिख सकते हो ओमेगा टी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो अपना इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ओके, बोर्ड का रिक्वायरमेंट है हमें यहाँ पे, तो थोड़ा बोर्ड इरेज कर लेते हैं। चलो फॉर्मूला बनेगा आपका फ्लक्स फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस ओमेगा टी, थीटा की जगह पे हमने ओमेगा टी पुट किया जो एक एंगल ही है, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में हमने लिया यहाँ पे। अभी हमें ईएमएफ चाहिए, तो ईएमएफ कब मिलता है, जब चेंज होता है फ्लक्स के अंदर। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू फेराडेस लॉ क्या है, तो क्या एप्साइलोन इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, ये फॉर्मूला है हमारे पास कि चेंज इन फ्लक्स आपको क्या देगा, ईएमएफ देगा, इंड्यूस ईएमएफ। तो चलो इसमें फाई की वैल्यू पुट करें, तो फाई की वैल्यू पुट करते हैं एप्साइलोन इक्वल्स टू माइनस एन डी बाई डी टी, यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी ए कॉस ओमेगा टी, ये वैल्यू आई स्टूडेंट। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एरिया, ये मैग्नेटिक फील्ड तो हम चेंज नहीं कर रहे, एरिया भी चेंज नहीं कर रहे, चेंज क्या कर रहे, तो उसका एंगल चेंज कर रहे, उसको रोटेट करा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो एंगल चेंज हो रहा है। और हमें पता है डिफरेंसेशन में हम क्या करते हैं, जो चेंज होता है मतलब जो वेरिएबल होता है उसका ही हम क्या करते हैं यहाँ पे,
डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, उसको हम डिफ्रेंशिएशन से बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, एप्साइलॉन इक्वल्स टू माइनस एन बी ए, डिफ्रेंशिएशन ओनली किसका होगा, वेरिएबल का, और वेरिएबल यहाँ पे एंगल है तो हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी, ओके डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी होगा। अभी हमें ये डिफ्रेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन में आपको रूल्स पता होने चाहिए। आप लोगों ने ये डिफरेंशिएशन देखा होगा d बाई डी टी कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होता है, तो होता है कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो आप लिख सकते हो माइनस टू साइन टू थीटा। तो सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एप्साइलॉन इक्वल्स टू माइनस एन बी ए, ओके यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में ओमेगा आगे आएगा तो हम लिख सकते हैं ओके, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा t, ओके ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एप्साइलॉन इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा t, ये आपका इक्वेशन आया ओके। अभी इस इक्वेशन में हमें मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए, तो मैक्सिमम ईएमएफ कब मिलेगा, चलो मैक्सिमम ईएमएफ के लिए आपका एंगल कितना होना चाहिए, तो एंगल चलो कंसिडर करते हैं कि थीटा इक्वल्स टू जी 90 डिग्री है, ओके थीटा 90 डिग्री मतलब उसको हम ये जो कॉइल है उसको रोटेट करा के हम कितने डिग्री पर रख दें 90 डिग्री पर रखें, तो यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा रोटेशन होगा, पता है आपको जो कॉइल वाला एग्जांपल हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये क्या करेगा, रोटेट कर रहे हैं हम ओके। तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 आपका क्या हो जाएगा 1, मतलब मैं साइन ओमेगा टी आपका 1 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है मैक्सिमम जो आपका ईएमएफ है इंड्यूस ईएमएफ वो क्या हो जाएगा एन बी ए ओमेगा, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है, तो हम ये वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करें तो एप्साइलॉन इक्वल्स टू एप्साइलॉन एम साइन ओमेगा टी, ये आपका इक्वेशन आया ओके। और इसको वी के टर्म में भी लिख सकते हैं, ईएमएफ वोल्टेज ही है तो वी इक्वल्स टू आप लिख सकते हो वी एम साइन ओमेगा टी, ओके ये इक्वेशन है। अब इसको करंट के टर्म में लिखना हो तो हमें पता है आई इक्वल्स टू वी बाई आर, ओके तो इक्वेशन लिख सकते हैं वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर, ओके तो इक्वेशन आपका बन जाएगा ये आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, ये आपका इक्वेशन हो गया करंट का ओके। और ये जो इंड्यूस करंट आया ये आपका एसी करंट होगा, एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट ओके, जो हम नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट, उसमें हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले एसी करंट की करेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है ओके। तो जो जनरेटर है यहाँ पे वो जनरेटर आपको जो इंड्यूस करंट दे रहा है वो कैसा होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा। क्यों अल्टरनेटिंग, तो देखो कि जब कॉइल को हम रोटेट कराते रहें कुछ एंगल से रोटेट कराते हैं, तो यहाँ पे मान लो कि इनिशियल केस में करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ, जब एंगल चेंज करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में मतलब वो अल्टरनेटिंग चेंज होते रहेगा। तो वो आप कैसे निकाल सकते हो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, तो कि फ्लेमिंग का रूल अप्लाई करके, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड तो एक्स के अंदर ही है ओके, फादर मदर चिल्ड्रन वाले पे से आप फाइंड कर सकते हो। तो हर एक एंगल पे करंट की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड वही डायरेक्शन में है लेकिन फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, करंट की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी मतलब चेंज इन करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। तो यहाँ पे जो एसी जनरेटर है वो आपको अल्टरनेटिंग करंट देगा, तो ये इंड्यूस आपको करंट मिल रहा है किसमें, ये जो कॉइल है उसमें, जो जनरेटर के अंदर मैकेनिकल वर्क का किसमें कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ जनरेटर ऐसे होते हैं जिसमें हमें हाथों से वहाँ पे रोटेशन देना होता है, और रोटेशन से क्या होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर ओके स्टूडेंट। तो अच्छे से नोट कर लो, इसके बाद हम इसके ग्राफ देखते हैं, वो ग्राफ किसका ग्राफ, तो के ईएमएफ फॉर एंगल का ग्राफ, जो हम यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ है वो, और जो एंगल है कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट,
तो डिस्कस करते हैं अभी ग्राफ के बारे में। जो यहाँ पे हमें इंड्यूस ईएमएफ मिल रहा है उसका फॉर्मूला क्या आया ऐसे जनरेटर में, तो क्या एप्साइलॉन इक्वल्स टू एप्साइलॉन एम साइन ओमेगा टी, ओके। और उसको वी के टर्म में लिखे तो वी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। और करंट का फॉर्मूला हमारे पास हुआ आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, और वेयर एप्साइलॉन एम इक्वल्स टू क्या था एन बी ए ओमेगा, ओके। इतने फॉर्मूले थे अपने पास, ओके। अभी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, किसका ग्राफ, तो के करंट और वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करना है, किसके अकॉर्डिंग, तो के किसके रिस्पेक्ट में, तो के एंगल के रिस्पेक्ट में, ओमेगा डी के रिस्पेक्ट में। तो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, चलो इस पर ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये वाले पे हम लेते हैं वोल्टेज, ओके। वोल्टेज की दो वैल्यू आएगी, मतलब जो इंड्यूस वोल्टेज है ईएमएफ है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, दो वैल्यू हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये V माइनस मतलब मिनिमम, ये जीरो, ओके। तो ग्राफ की ऐसा बनेगा, हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो क्या V वर्सेस ग्राफ ड्रॉ करना है हमें ओमेगा टी का। तो यहाँ पे ये अपना ओमेगा टी, देख लिया इतना ग्राफ है साइन का, क्योंकि हमारे जो फंक्शन है V या तो एप्साइलन, वो किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, और साइन का ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता है, वो आपको पता है। तो नहीं पता तो फिर भी हम ले, चलो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे ले लेते हैं। V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे बात करें, तो जब थीटा आपका जीरो होगा तो साइन जीरो जीरो, तो उस केस में आपका वोल्टेज क्या आएगा, जीरो। फिर थीटा आपका 90 डिग्री होगा तो साइन 90 क्या होता है, वन, तो उस केस में V इक्वल्स टू आपका क्या मिलेगा, वी एम। और जब थीटा आपका 180 होगा तो उस केस में भी आपको क्या मिलेगा, जीरो, साइन 180 जीरो, और साइन इसके बाद 90 और ऐड कर जाओ तो 270 पे क्या मिलेगा आपको, V इक्वल्स टू माइनस वी एम, ओके। 270 क्या होगा, साइन 270 माइनस वन, ओके। और थीटा इक्वल्स टू 360 होगा तो उस केस में V इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको, जीरो। क्लियर, देखो जब थीटा जीरो था तो साइन जीरो जीरो मतलब वोल्टेज जीरो, जब थीटा आपका 90 है तो उस केस में V क्या मिलेगा, मतलब साइन 90 क्या होता है, वन, तो V इक्वल्स टू वी एम होगा। और ये थीटा क्या है, तो कि थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी ही है, क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी होता है, तो ये सब हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल के ऊपर ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ कुछ आपका इस तरह से होगा। तो ये जीरो, ये आपका मैक्सिमम किस पे हो रहा था, पाई बाई टू पे मतलब 90 पे, ओके। फिर ये 180 पे पाई पे जीरो, फिर ये 3 पाई बाई टू, और ये कितना, 2 पाई। क्लियर, तो ये ग्राफ किसका बना, वोल्टेज का ग्राफ बना। अभी इसके ऊपर ही मैं करंट का ग्राफ दिखाना चाहूँ तो करंट का ग्राफ इससे सेम ही ग्राफ आएगा, क्यों, क्योंकि साइन का फंक्शन ही है, लेकिन करंट वोल्टेज से कम होता है। क्यों कम होता है, तो आपको पता है कि आई होता है वो वी बाई आर होता है, मतलब मैं वो डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो है ही, तो रेजिस्टेंस होने के वजह से ये आई की वैल्यू कम आती है, तो कम आता है तो ग्राफ के अंदर भी आपको उसको कम दिखाना है, तो आप ऐसे ग्राफ दिखा सकते हो, सेम पॉइंट पे जीरो, लेकिन ऐसे ग्राफ आएगा। ये आपका बन जाएगा आई एम, और ये बनेगा आपका आई एम माइनस मतलब मिनिमम वैल्यू। क्लियर, क्यों कम आता है, तो कि वोल्टेज ज़्यादा ही होता है ऑलवेज करंट से, इसलिए वोल्टेज का ग्राफ आपको ज़्यादा बड़ा दिखाना है, ये आपका वी मैक्सिमम है, ओके, ये माइनस वाला है वैल्यू। क्लियर, तो ये ग्राफ था, डिफरेंट डिफरेंट एंगल के ऊपर ग्राफ टू दिखाने हैं, करंट का ग्राफ और वोल्टेज का ग्राफ। तो ये हुआ आपका एसी जनरेटर, एसी जनरेटर
कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हमारे सराउंडिंग में सभी जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, उसमें इंडक्शन की फिनोमिना होती होती हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि बाइक का, बाइक की बात करें तो बाइक का जो हेडलाइट है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ही वर्क करता है, जिसमें क्या होता है कि मैग्नेट के बीच में कॉइल है वो क्या होता है, रोटेट होते रहता है, तो वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ मिलता है, उससे हमारा जो हेडलाइट है वो चालू होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा एसी जनरेटर और चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले एसी करंट के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।